मेरी पेशेंस को टेस्ट मत करो। इस प्रश्न को लेकर आर पार की लड़ाई होगी। जो एनएचएम के कर्मी निकाले गए, जब वो निकाले गए थे 108 के, उस समय भी मैं धरने पर बैठ गया था, अंदर घुस गया था दफ्तर में, जो डायरेक्टर महोदय एनएचएम के। मैं आपको बताऊं, निकाला नहीं है, उनकी जिंदगी के साथ कत्ल किया है, कत्ल। दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर होल फैमिली। 8-8, 9-9 साल से कार्यरत है वो। कोविड के समय कोई नहीं निकलता था बाहर, मेरे से पूछो, हमने देखा। सब वो अपने अपने कुटिया में, मकानों में, महलों में छिप गए थे, कोई बाहर नहीं निकलता था। जो स्टाफ उस समय सेवाएं कर रहा था, है ना, यही था जो आपका एनएचएम का स्टाफ था, जो इस तरीके का स्टाफ था, उनमें से एक ये थे जो सेवा कर रहे थे। आप उनसे क्या काम ले रहे हैं? टेल मी, कौन है ये सेक्रेटरी महोदय, क्या कर रही है? डज शी नो कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, किस तरीके से निकाला जाता है? मैं अभी विनती करना चाहता हूँ, सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी पेशेंस को टेस्ट मत करो। इस प्रश्न को लेकर आर पार की लड़ाई होगी। जो एनएचएम के कर्मी निकाले गए, जब वो निकाले गए थे 108 के, उस समय भी मैं धरने पर बैठ गया था, अंदर घुस गया था दफ्तर में, जो डायरेक्टर महोदय एनएचएम के, है ना। इसलिए आई एम वेरी क्लियर, है ना, मैंने कहा है, क्रेडिट दिया है गवर्नमेंट को इश्यूज को लेकर, लेकिन इस इशू को लेकर दे कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज, इसके कोई समझौता नहीं हो सकता है। ये तौर तरीके 16 शताब्दी में होते होंगे, ये 16 शताब्दी के कानून यहाँ हिमाचल प्रदेश में नहीं चलने वाले। वो जितनी बड़ी आईएएस ऑफिसर हो वो जाने, है ना, लेकिन ये तौर तरीके अनएक्सेप्टेबल है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की परंपरा, है ना, इंसानियत की परंपरा से गवर्न होती है। ये उनकी ये क्या कहते हैं दृष्टि से नहीं होगी, जो क्या कहते हैं शोषण, जुल्म और अत्याचार करते हैं, इसका सही समय में सही जवाब देंगे। अभी हम सरकार को मौका दे रहे हैं, प्लीज टेल हर टू रिवर्स दिस डिसीजन। ये इलीगल है, गैर कानूनी है, मन मर्जी का है, ऐसा कानून अनुमति नहीं देता है और हम भी अनुमति नहीं देंगे ऐसे इस तरीके से किसी की जिंदगी को तबाह करने के लिए। और मेरी जानकारी में ये है, एक तो उनमें से हैंडीकैप है, आप ये करना चाहते हैं हैंडीकैप के साथ? बहुत दुर्भाग्य है और बहुत दुखद है कि इस तरीके का कार्य हो रहा है, और वो भी सचिव वाले सरकार की नाक के नीचे ऐसा कार्य हो रहा है। इट इज अनटॉलरेबल।